नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द ज्ञान इलेक्ट्रिकल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनरेटर के 95% स्टेटर अर्थ फोल्ड के बारे में। तो गाइस, एज ऑलवेज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ ऑब्जेक्टिव। जैसे हम पहले देखते हैं कि कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो उसके पहले ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्यों। तो गाइस, वाई हम क्यों ये प्रोटेक्शन जनरेटर में रखते हैं, तो उसका मैं आपको आंसर दे देता हूँ। तो गाइस, क्या होता है कि ये जनरेटर का स्टेटर है, आप समझिए, ये स्टेटर है और स्टेटर के स्लॉट, स्टेटर की कोर रहती है और उसके बाद वो कोर में स्लॉट बने रहते हैं। तो गाइस, मैं यहाँ पे एक दो स्लॉट बना रहा हूँ, सब स्लॉट तो नहीं बना पाऊंगा। तो ये स्लॉट है और ये स्लॉट, स्लॉट के अंदर क्या रहता है, वाइंडिंग रहता है, स्टेटर का वाइंडिंग किया हुआ रहता है। और ये स्लॉट और वाइंडिंग, उन दोनों के बीच में गाइस क्या रहता है, इंसुलेशन रहता है। अब गाइस, कोई भी रीजन की वजह से ये इंसुलेशन है वो फेल हुआ तो क्या होगा गाइस, कि हाई अमाउंट ऑफ करंट ये वाइंडिंग में से स्टेटर के स्लॉट साइड, मतलब कि जो अर्थ है, कोर है, उसमें फ्लो होगा। हाई अमाउंट ऑफ करंट वाइंडिंग से अर्थ में फ्लो होगा, क्योंकि ये जो स्टेटर की बॉडी है और कोर है वो ऑलवेज अर्थ रहती है। तो उसकी वजह से क्या होगा गाइस, कि आर्किंग की पॉसिबिलिटी रहती है बिटवीन ए वाइंडिंग और अर्थ के बीच में, या तो वाइंडिंग और स्लॉट के बीच में। और ये आर्किंग है, जो अगर आर्किंग हुआ तो उसका मतलब गाइस क्या होगा, कि ये उसके जो जनरेटर की कोर है उसको डैमेज कर सकती है, वाइंडिंग को भी डैमेज कर सकती है। तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो उसके लिए हम जनरेटर का 95% स्टेटर अर्थ फोर रखते हैं। और अगर कहीं पे भी ये जो स्टेटर का वाइंडिंग है वो अर्थ हुआ स्लॉट के साथ, या कहीं पे अर्थ हुआ, तो डायरेक्टली 95% स्टेटर अर्थ फोर में जनरेटर को ट्रिप करवा देगी और आर्किंग होने से बचाएगी। तो गाइस, 95% स्टेटर अर्थ फॉल्ट को दो तरीके से लिया रहता है। पहले हम बता देते हैं, ये है जनरेटर है, जनरेटर को यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। जनरेटर के तीनों वाइंडिंग है और उसके आउटपुट RYB और ये न्यूट्रल लिंक है, स्टार लिंक है, और ये ग्राउंड होती है। अब गाइस, दो टाइप के ग्राउंड नहीं रहते हैं, NGR डायरेक्टली रजिस्टर थ्रू और एक NGT जनरेटर ट्रांसफॉर्मर थ्रू। तो गाइस, यहाँ पे मैं पहले NGT थ्रू ले रहा हूँ। अगर NGT है, ये NGT है, NGT थ्रू है, तो गाइस क्या होगा कि NGT के सेकेंडरी में रेजिस्टेंस लगा रहेगा और ये ग्राउंड होगा। अब गाइस क्या होगा कि पहली मेथड में आपको बता रहा हूँ वो है NGT थ्रू। तो NGT, अगर NGR है तो मैं अभी दूसरी वाली बताऊंगा जो टेक्निक है वो यूज़ होगी, लेकिन NGT है तो ये वाली टेक्निक यूज होगी अभी मैं जो जस्ट बता रहा हूँ। अब गाइस क्या होगा कि कहीं पे अर्थ फोल्ड हुआ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे, पहले मैं बताऊँ नॉर्मल कंडीशन में क्या रहता है। गाइस, नॉर्मल कंडीशन में करंट फ्लो नहीं होता, न्यूट्रल जो ये जो स्टार है, न्यूट्रल है, उसके अंदर करंट फ्लो नहीं होता नॉर्मल कंडीशन में। अब गाइस कहीं पे फॉल्ट हुआ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉल्ट हुआ, तो क्या होगा गाइस कि ये जो फॉल्ट हुआ उसको रिटर्न पाथ मिलेगा ए NGT जहाँ पे ग्राउंड किया है वहाँ से। तो करंट फ्लो होगा गाइस फॉल्ट पॉइंट से NGT के ग्राउंड पॉइंट तक, और यहाँ पे करंट फ्लो होगा। तो क्या होगा गाइस कि NGT के प्राइमरी में जो करंट फ्लो हुआ, एक्स अमाउंट ऑफ करंट, वो करंट रिफ्लेक्ट करेगा NGT के सेकेंडरी में। अब वही करंट गाइस क्या होगा कि वही करंट फ्लो होगा रेजिस्टेंस में। अब रेजिस्टेंस में करंट फ्लो हुआ और आई है, हमारे पास यहाँ करंट है और यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू है कुछ, तो अब क्या गैस क्या होगा कि करंट और ये रेजिस्टेंस, ये दोनों को मिला के हमको वोल्टेज मिल जाएगा। तो गैस यहाँ पे क्या रहता है कि सेंसिंग के लिए यहाँ से जो रिले रहती है उसमें सेंसिंग लिया रहता है ऐसे रेजिस्टेंस के अक्रॉस में। तो गैस रिले को क्या वोल्टेज मिल जाएगा, मतलब कि एक करंट जो अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है वो इंटू ये जो रेजिस्टेंस है वो IR, तो रिले को कुछ वोल्टेज मिल जाएगा। अब गाइस ये रिले में वोल्टेज वो कुछ प्री डिफाइंड रहता है, प्री सेट एक वोल्टेज लेवल रहता है, मतलब कि अगर वोल्टेज जो है, फॉर एग्जांपल मैं एक केस लूँ जिसमें ऐसा है कि 7 वोल्ट है रिले के अक्रॉस में, 7 वोल्ट अगर गाइस ये सेट वैल्यू है, अब ये सेट वैल्यू से ज़्यादा वोल्टेज रिले सेंस करेगी, मतलब कि एक करंट ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ आपको यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि V=IR और R है जो हमारा रेजिस्टेंस वो फिक्स है, और करंट अमाउंट जैसे जैसे जैसा फॉल्ट हुआ और करंट अमाउंट ज़्यादा है और जो वोल्टेज यहाँ पे सेंस कर रहा है वो 7 वोल्ट से ज़्यादा है तो रिले सेंस करेगा। और अगर एक प्रीसेट वैल्यू 7 वोल्ट से ज़्यादा मिली, 7.5 या 7.1 से लेकर कुछ भी, मतलब 7 से ज़्यादा मिली, तो क्या होगा कि रिले जो है वो ट्रिप कमांड इश्यू करेगा और आपके जनरेटर ब्रेकर को ओपन कर देगा। तो गाइस ये हुई फर्स्ट मेथड जो है NGT थ्रू, मतलब कि NGT में जब करंट, जब फॉल्ट होगा
तब फॉल्ट करंट रिटर्न होगा ये अर्थ पॉइंट से, एनजीटी के अर्थ पॉइंट से, और जो करंट है प्राइमरी करंट है वो इसे सेकेंडरी में रिफ्लेक्ट करेगा और आई इंटू आर बन के कुछ वोल्टेज सेंस करेगा रिले, और वो वोल्टेज है वो प्री डिफाइंड वैल्यू से ज़्यादा है तो जो जनरेटर है, जनरेटर का सर्किट ब्रेकर है उसको रिले है वो ट्रिप कमांड इश्यू करेगी और जनरेटर है वो ट्रिप हो जाएगा। अब गाइस जो दूसरी बात है, जो दूसरी टाइप की प्रोटेक्शन है उसके बारे में बात करेंगे। ये तो हमने जो आई इन टू आर सेंसिंग वाली एनजीटी वाली बोली वो थी, अब दूसरी वाली जिसमें एनजीटी नहीं है, डायरेक्टली एनजी आर थ्रू डायरेक्टली ग्राउंड कर दिया है सिस्टम को एनजी आर थ्रू। अब इसमें तो गाइज हमारे पास वोल्टेज यहाँ पे हम डायरेक्ट सेंस नहीं कर पाएंगे क्योंकि वेरी हाई अमाउंट ऑफ करंट होगा, तो इसके लिए गाइज एक दूसरी टेक्निक है जिसको बोलते हैं ओपन डेल्टा पीटी। तो गाइज ये मैं जो सेकेंड वाली बता रहा हूँ वो है ओपन डेल्टा पीटी टाइप। जनरली 6.6 केवी की सिस्टम जहाँ पे रहती है वहाँ पे ए टाइप की सिस्टम यूज़ होती है, और 6.6 केवी के एबोव की रहती है वहाँ पे एनजीटी वाली जो मैंने अभी पहले डिस्क्राइब की उस टाइप की रहती है। तो गाइज क्या है कि ओपन डेल्टा पीटी में क्या रहेगा कि पहले मैं यहाँ ओपन डेटा पीटी का एक प्राइमरी दिखा रहा हूँ, ये प्राइमरी पार्ट है गाइस, और ये उसका सेकेंडरी। अब इसमें गाइस क्या रहेगा कि ये फर्स्ट वाइंडिंग का इसमें सेकेंड में जाएगा, इसका फर्स्ट का सेकेंड में जाएगा, और ये सेकेंड है उसका गाइस कहीं पे जाएगा, फर्स्ट के साथ कनेक्ट नहीं होगा तो क्या होगा कि डेल्टा है वो ओपन रहेगा, ये अगर यहाँ पे कनेक्ट किया तभी पूरा डेल्टा बनेगा, तो ये इसको हमको पूरा डेल्टा नहीं बनाना है, ओपन रखना है। क्यों गाइस वो मैं आपको बता देता हूँ। जो ओपन डेल्टा पीटी है ना वो क्या करेगा, यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा आपको जब जीरो सीक्वेंस करंट, जब सॉरी जब फोल्ट होगा, जब अर्थ फोल्ट होगा तब आपको यहाँ पे कुछ वोल्टेज मिलेगा। अब क्यों वो मैं बता देता हूँ। गाइस ओपन डेल्टा पीटी में क्या रहता है कि हेल्दी कंडीशन, जब कंडीशन नॉर्मल है हेल्दी है उस टाइम पे वी आर प्लस वी वाई प्लस वी बी इज इक्वल टू जीरो रहेगा। तो गाइज ये जो ओपन डेल्टा पीटी का इक्वेशन बना हुआ ये बनता है वी आर प्लस वी वाई प्लस वी बी। तो हेल्दी कंडीशन है जब कहीं पे अर्थ फोल्ट सिस्टम में नहीं हुआ है तो वी आर प्लस वी वाई प्लस वी बी इज इक्वल टू जीरो रहेगा, बट अगर कहीं पे भी अर्थ फोल्ट हुआ यहाँ पे तो गाइज क्या होगा कि वी आर प्लस वी वाई प्लस वी बी इज इक्वल टू जीरो नहीं होगा क्योंकि कुछ जीरो सिक्वेंस वोल्टेज जनरेट होगा, और वो जीरो सिक्वेंस वोल्टेज यहाँ पे आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको 5 वोल्ट या 6 वोल्ट मिल रहा है, तो यहाँ से डायरेक्ट ये ओपन डेल्टा पीटी है वहाँ से ही डायरेक्ट हमने ले लिया रहता है सेंसिंग रिले में। तो गाइस ये रिले का यहाँ पे भी फॉर एग्जांपल प्रीसेट वैल्यू 7 वोल्ट है, तो अगर ओपन डेल्टा पीटी का जो आउटपुट वोल्टेज है वो 7 वोल्ट से ज़्यादा रिले ने सेंस किया तो वो ट्रिपिंग कमांड इश्यू करेगा और जनरेटर ब्रेकर को ट्रिप करवा देगा। तो गाइस ऐसे ही ओपन डेल्टा पीटी का जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया वो आपका एनजीआर वाली जो स्कीम रहती है जिसमें एनजीटी नहीं है उसमें ये ओपन डेल्टा पीटी का कॉन्सेप्ट लिया रहता है प्रोटेक्शन के लिए। सो थैंक यू गाइस, होप आपको ये 95% स्टैंडर्ड अर्थ फॉल्ट समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका बेस्ट ट्राई करूंगा रिप्लाई देने का। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।